हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से सोयाबीन चापस्टिक लेके आई हूँ, जिसे मैं घर पे बनाने जा रही हूँ बहुत इजी तरीके से। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम। सोयाबीन चॉपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी सोयाबीन की दाल ले ली है, जिसे मैंने 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और एक कटोरी मैंने सोयाबीन की बड़ी ले ली है, इसे भी मैंने गर्म पानी में भिगो लिया है। आधा कटोरी मैंने मैदे का यूज किया है। मैदा जितना हमें पर्याप्त लगेगा उतना ही यूज करेंगे। हमने सिर्फ आधा कटोरी मैदा लिया है। अब सबसे पहले हम सोयाबीन की दाल और बड़ी का हम पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें हम आधे कप से भी कम पानी डाल देंगे, फिर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। सोयाबीन की दाल का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत महीन पेस्ट तैयार किया है, दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है। इसी तरीके से हम सोयाबीन की बड़ी का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही महीन है। इसी में हम सोयाबीन की बड़ी का पेस्ट तैयार कर लेंगे। सोयाबीन बड़ी का भी पेस्ट बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। इसमें भी मैंने आधा कप पानी डाला था, ज्यादा पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि हमें डो की तरह तैयार करना है। अब इसको भी हम सोयाबीन की दाल में मिक्स करेंगे, जिसका हमने पेस्ट बना के रखा है। दोनों चीजें अच्छे से पिस चुकी हैं। अब इनका हमें डो तैयार करना है, जिसके लिए अब हम मैदा इसमें डालेंगे। जितनी मैदे की आवश्यकता होगी डो बनाने के लिए उतना ही मैदा यूज करेंगे। अगर गीला रहेगा तो और थोड़ा सा डालना पड़ेगा, सूखा तो इतने से ही हमारा डो बनके तैयार हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे कर लेंगे, फिर हाथों की सहायता से इसका डो तैयार करेंगे। अब इसमें और मैदा पड़ेगा। हम आधा कटोरी पूरा मैदा डाल देंगे। डो बनके तैयार हो गया है। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। जिस तरीके से रोटियां बनती हैं उसी तरीके से हम रोटियां बनाएंगे। थोड़ा गीला रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है, इसलिए इसमें सूखा आटा लगा के इसकी हम रोटियां बना के रख लेंगे। हल्के हल्के हाथों से बेलनी है। रोटी को मैंने बेल लिया है इस तरीके से, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा मोटी है। अब इसे हम इस तरीके से काटेंगे, जिससे हमारी स्टिक पे अच्छी तरीके से लग जाएं, चाप अच्छी तरीके से बन जाए। अब हम एक चॉप स्टिक लेंगे, आइसक्रीम स्टिक से इस तरीके से हम बनाएंगे, से रोल रोल करके सोया चाप बना लेंगे। ये खाने में काफी हेल्दी और टेस्टी होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत होता है सोयाबीन में। सोयाबीन चाप हमारी बनके रेडी होगी। इसी तरीके से हम सारी सोयाबीन चाप बना के रख लेंगे। सोयाबीन चॉप स्टिक हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके सारी चॉप बनानी है। सोया चाप हमारी इसी तरीके से बनेगी। और भी काफी बैटर हमारा बचा है, जिससे हम और भी बना सकते हैं। तब तक हम आपको दिखाते हैं इन्हें पकाते कैसे हैं। एक बर्तन में मैंने पानी गरम कर लिया है, जिसमें हम ये सोयाबीन चॉप स्टिक डालेंगे। सारी हम सोयाबीन चॉप स्टिक इसी तरीके से डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे। समथिंग इसे 20 मिनट पकाना है। 5 मिनट तो हमें तेज आंच पे पकाना है, फिर इसे स्लो कर देना है। 5 मिनट हो गया है तेज आंच पे पकते हुए। अब हम गैस स्लो करेंगे और इसे हम 15 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे।
15 मिनट हो गए हैं, सोयाबीन चॉपस्टिक पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम ठंडे पानी में निकालेंगे। इसे ठंडे पानी में ही निकालना है। सोयाबीन चाप को 15 मिनट हमें ठंडे पानी में रखना है, उसके बाद इसे निकाल लेना है। ठंडे पानी में पड़े हुए सोया चाप को मेरा 15 मिनट हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। सोयाबीन चाप स्टिक को मैंने ठंडे पानी से निकाल लिया है, अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। उसके बाद इसकी हम कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, और अगर अधिक समय तक इसे चलाना है तो इसे एयर टाइट पन्नी में आप करके फ्रीजर में ही डाल सकते हैं और ये काफी दिन तक चल सकती है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आज की? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।